नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह। आपका बहुत बहुत स्वागत है। झारखंड में क्या सिर्फ मुख्यमंत्री बदलेंगे या फिर सरकार भी बदलेगी, इस पर विश्लेषण करेंगे और पूरी हकीकत बताएंगे। इसके साथ साथ बिहार में छठे चरण का टीचर काउंसिलिंग हाई स्कूल वाला शुरू हो रहा 32,000 रुपए पर। झारखंड में टीचर बहाली का क्या होगा ये भी बताएंगे। और JSSC का एग्जाम क्या लटक चुका है, कितना डिले होगा, कितने दिनों के बाद कौन सी परीक्षा होगी, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन जल्दी से आपको बता दें इस वक्त में इम्पोर्टेंट खबर क्या है। झारखंड में टीचर बहाली फंसी हुई है, लेकिन वही दूसरी ओर बिहार में टीचर बहाली का छठा चरण शुरू हो रहा है। 2019 तक में जो लोग जून तक में BEd कर चुके थे उनको भी मौका मिलेगा, तो ये अच्छी बात आई है बिहार से। और यहाँ पर डोमिसाइल नहीं चाहिए तो कोई भी अप्लाई कर सकते हैं, जो BEd किए हुए अप्लाई कर सकते हैं काउंसलिंग में सीधे तौर पर। बिहार में टीचर की बहाली रेगुलराइज बेसिस में हो रही है। झारखंड में JTET की परीक्षा भी सिर्फ दो हुई है। JTET की परीक्षा हर साल होनी चाहिए, कई बार खबरों में आया, सरकार ने भी माना, लेकिन परीक्षा को लेकर कोई सुगबुगाहट ही नहीं नजर आती है। कब परीक्षा होगी ये नहीं पता है स्टूडेंट को, और परीक्षा होगी तो उसका प्रारूप क्या होगा ये भी नहीं पता है, और जो परीक्षा लिखकर पास कर गए उनका क्या होगा ये भी नहीं पता है। CTET वाले पास करके बैठे हुए हैं, JTET वाले भी पास करके बैठे हुए हैं। CTET वाले को झारखंड में मौका मिलेगा कि नहीं ये भी नहीं पता है स्टूडेंट को, लेकिन बीच बीच में खबर आते रहती है कि कुछ नई वैकेंसी आने वाली है। चलिए टीचर बहाली कब होगी, लेकिन JSSC में एक्साइज पुलिस की बहाली की प्रक्रिया क्या थोड़ी सी लंबी चलेगी, ये सुगबुगाहट भी अब तेज हो चुका है। इसके साथ साथ JSSC CGL की डेट और आगे बढ़ने की संभावना भी बढ़ गई। सभी चीजें झारखंड में हो रही है लेकिन नौकरी नहीं मिल रही है। बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि इस वक्त में झारखंड सरकार पर ढेर सारे आरोप आ गए। मुख्यमंत्री के ऊपर पहले से आरोप था कि उन्होंने पद में रहते हुए अपने नाम से ठीका लिया। विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा के ऊपर अब जांच शुरू हो गया है कि विधायक प्रतिनिधि ने स्टोन माइंस लिया है साहिबगंज में, बिहार में भी इनके माइंस से ये भी खबर आ रही है। पिंटू श्रीवास्तव उर्फ अभिषेक श्रीवास्तव के ऊपर भी जांच शुरू हो गया है। क्या JMM के सारे नेताओं पर जांच हो रहा है और क्या इन नेताओं की तकदीर बदलेगी इसके बाद, या फिर तकदीर नीचे गिर जाएगी, क्या होगा। बसंत सोरेन पर जांच चल रहा है। हेमंत सोरेन के अलावा कल्पना सोरेन के ऊपर भी आरोप है कि 11 एकड़ की जमीन गलत तरीके से अपने नाम पर आवंटित किया गया। इसके अलावा मिथिलेश ठाकुर के खिलाफ अपने संपत्ति का एक जांच हो रहा है। इसके साथ साथ जांच ये भी हो रहा है कि पद में रहते हुए अपने नाम से ठीका लिया और ठीका को मैनेज करवाया, ये जांच भी जारी है। बन्ना गुप्ता पर जांच हो रहा है। कांग्रेस की बड़कागांव विधायिका जो है अंबा प्रसाद, चुनाव के समय उन्होंने गलत जानकारी दी थी, ये उनके ऊपर में जांच हो रहा। बंधु तिर्की पर जांच चल ही रहा है, हाईकोर्ट से बेल मिला है। ऐसे कई मंत्री हैं जिनके ऊपर में इस वक्त में जांच और जांच है। क्या JMM में कोई भी एक व्यक्ति अब नहीं टिकेगा जो मुख्यमंत्री पद पर हो, क्योंकि गुरुजी शिबू सोरेन पर पूर्व में कांग्रेस से PV नरसिम्हा राव के सरकार के समय में 1 करोड़ रुपये घूस लेने का आरोप है JMM आंदोलन के समय में। और इसके साथ साथ ये भी आरोप है कि कोयला मंत्रालय में रहते हुए उन्होंने घोटाला किया था, हालांकि उसकी जांच कंप्लीट हो गई। तो तमाम नेताओं पर जब जांच हो रहा है तो क्या झारखंड में अब मुख्यमंत्री सिर्फ बदलने वाले हैं या फिर सरकार बदलने वाली है। एक कयास इससे भी निकाला जा सकता है कि केंद्रीय महासचिव JMM के गवर्नर से मिले, नेताओं के साथ जाकर के मिले और बताए कि उनके खिलाफ जो जांच किया जा रहा है वो गलत है, उनके सरकार को अस्थिर करने की कोशिश है। इस सबके बीच नौकरी और रोजगार और भाषा आंदोलन पीछे छूट गया, भाषा आंदोलन से जन्म लिए नेता पीछे छूट गए। अब लोगों के दिमाग में पहले ये परिदृश्य बन रहा है कि अगर मुख्यमंत्री गलत किए, मुख्यमंत्री के पत्नी के नाम से गलत भूमि का आवंटन किया गया है, अंबा प्रसाद गलत रूप से विधायिका,
बन्ना गुप्ता ने रिश्वत लिया है, मिथिलेश ठाकुर गलत रूप से है, ऐसे हर किसी के ऊपर कुछ ना कुछ जांच चल रहा है। तो क्या सिर्फ मुख्यमंत्री बदलने की जो खबर थी, क्या अब उसके ऊपर एक कदम और आगे बढ़ते हुए क्या ऐसा लगता है कि सरकार बदल जाएगी? क्योंकि बाबूलाल मरंडी ने साफ साफ कह दिया है कि इस्तीफा तो देना चाहिए, बीजेपी दिल्ली जाकर इस पर बात करेगी। बीजेपी के राज्य स्तर के प्रतिनिधि मंडल दिल्ली पहुंचे और वहां जाकर सारे दस्तावेज जमा कर दिया गया। या तो चुनाव आयोग इन सारे लोगों की उम्मीदवारी को अगर रद्द कर देगा तो स्वतः ही इनकी विधायकी चले जाएगी। इसमें बड़ा संकट होगा कि क्या कोल्हान के किसी खास विधायक को हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री का चेहरा बना सकते हैं, अथवा किसी दूसरे ग्रुप के साथ कोई तालमेल किया जा सकता है। इंपोर्टेंट इसलिए है कि झारखंड में सरकार बनाने से लेकर सरकार चलाने तक काफी दिक्कतें आती है, चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो, और ये सरकार कितने दिनों तक टिकती है भी इंपोर्टेंट। और इसी बीच में आदिवासियों के लिए सरना धर्म कोड को लेकर दिल्ली में आंदोलन शुरू हो गया है कि अलग से धर्म कोड दिया जाए। ऊपर से रघुवर दास ने आरोप लगा दिया कि आदिवासियों के सरना धर्म की पहचान मिटाने के लिए जितने फॉर्म झारखंड में भराए गए और जो डेटा एनालिसिस किया गया उसमें धर्म का कारण हटा दिया गया, जिससे ये पता ही नहीं चल पाए कि कितने मूल आदिवासी दूसरे धर्म में परिणत हो गए। ये सारे के बीच में 26% आदिवासी वोट पर सारे लोगों की नजर है कि आदिवासी किनके साथ जुड़े रहेंगे, क्योंकि उनको अपनी धर्म और संस्कृति को बचाना प्रमुख होता है, इसके साथ रोजगार का मुद्दा भी प्रमुख होता है। चलिए ये सब कुछ तो चलता रहेगा झारखंड में, लेकिन रोजगार पर क्या हो रहा है? 27 तारीख को महत्वपूर्ण सुनवाई होगी। इस सुनवाई में एक तो जेपीएससी के ऊपर फैसला आएगा और दूसरा कि ये जो पूरी नीति चल रही है झारखंड सरकार की सर्टिफिकेट नीति, इस पर भी फैसला आ जाएगा। इसके बाद एक तय हो पाएगा कि कब क्या कुछ हो सकता है। और साथ ही साथ जेएसएससी सीजीएल अब उम्मीद किया जा रहा है कि ये मई जून में नहीं हो पाएगा, थोड़ा सा और आगे डेट चला जाएगा। एक्साइज वाले का भी यही कहानी है, हालांकि डिप्लोमा स्तरीय एग्जाम जो हुआ था उसमें सिर्फ अभी तक रिजल्ट लिस्ट जारी किया गया है, इसकी आगे की कार्रवाई चल रही है। जेपीएससी का रिजल्ट 5 मई तक हमने शुरुआती समय में बताया था, हालांकि ढेर सारे चैनल ने यह दावा कर दिया था कि 20 अप्रैल को ही जेपीएससी का रिजल्ट निकलने वाला है, 20 अप्रैल को नहीं निकला। अब देखिए हर दिन शाम तक में सारे लोग बोलते हैं कि आज शाम को निकलेगा, सोशल मीडिया का जमाना है। गलत सूचना फैलाने के आरोप में केंद्र सरकार ने आज ही 16 यूट्यूब चैनल पर बैन कर दिया, जिसकी सब्सक्राइबर संख्या सब मिलाकर 68 करोड़। भारत की पूरी आबादी का लगभग 50% आबादी उन यूट्यूब चैनल्स को सब्सक्राइब करके रखा था, तो ये भी बहुत सोच समझ करके करना है कि आप अगर सनसनी फैलाने वाली चीजों को लगातार करते हैं तो आज नहीं तो कल आपके ऊपर कार्रवाई जरूर की जाए। हमारे साथ आप इसलिए जुड़े रहेंगे कि हम आपको क्लासेस के साथ न्यूज भी बताते हैं जो ऑथेंटिक के साथ होता है। 1-2% का कभी कभी एरर हो जाता होगा, और सबसे बड़ी बात कि कुछ दूसरे चैनल को छोड़कर सारे लोग खुश रहते हैं, निगेटिव कमेंट